हेलो, वेलकम टू मेड टॉक्स विद डॉक्टर मोइन। आज हम मेड टॉक्स पर सिगरेट, तंबाकू और शराब और उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, सिगरेट, गुटखा और शराब तीन ऐसी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता कि हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों को बैन क्यों नहीं करती। मुझे नहीं पता, ठीक है, बैन नहीं करती, उनका प्रॉब्लम है, बट हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम ये पीने से पहले हम कभी नहीं सोचते, सिगरेट हो या गुटखा, उसके वजह से कितने प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं हमें, हमारे हेल्थ के साथ, और हमारे परिवार वालों को कितना प्रॉब्लम होता है, और आगे चल के हमारे बच्चों के साथ, जो हम एक एक पैसा करके जमा करते हैं उनके फ्यूचर के लिए। मेरे साथ एक पेशेंट है लड्डू लाल जी, जिनको ये प्रॉब्लम हुआ था तो हमने ऑपरेशन किया है, और आपको लड्डू लाल जी जो है अपना एक्सपीरियंस, उनका क्या प्रॉब्लम था और कैंसर के साथ, ही इज़ ए फाइटर, ही इज़ ए सर्वाइवर ऑफ कैंसर एंड ही स्टिल फाइटिंग कैंसर। एंड लड्डू लाल जी सबको एक मैसेज देना चाहते हैं, तो आप लड्डू लाल जी से उनकी ज़ुबानी, आप उनकी कहानी सुनिए। नमस्कार लड्डू लाल जी। सर नमस्ते, सलाम अलैकुम। सर मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गुटखा, पान, शराब, ये चीज़ों से हम ये चीज़ से गुजरे। ये गुटखा खाते थे हम, हमारे को छोटी पुंछी हुई, हमारे डॉक्टर साहब मनोदीन साहब हमारे को जान बचाए, हमारे को अब सर्जरी करे, यहाँ का मांस जो है सो ये राइट साइड गले में डाले, और हमारे को बहुत जान बचाए। हमारे को वो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुक्र गुजार हूँ। और ये जो कैंसर था मेरे को, वो कैंसर से मेरे को वो निकाल दे के टोटली उसका लॉन्ग लाइफ मेरे को जो दिए डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर साहब मनोदीन साहब से मैं इससे बहुत शुक्र गुजार हूँ। मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा लड्डू लाल जी, ये आपका प्रॉब्लम शुरू हुआ कैसे? GHMC में काम करता हूँ। ओके। वो गंदगी उठाने के वजह से एक मजबूरी को गुटखा खाना पड़ा, पान खाना पड़ा, मेरे को वो चीज़ में वो मजबूरी से जो है सो आज ये मेरे को ये हिसाब तक आया मैं। तो ये आपके कल्ले में छोटी सी फुंसी स्टार्ट हुई थी? छोटी सी फुंसी हुई, छोटी सी फुंसी जाके और बड़ा गड्ढे के सर का हो रहा, हो कैंसर पे आ गया, कैंसर पे आ गया था पूरा टोटल। तो आपका शुक्र गुजार हूँ जो आप मेरे को लॉन्ग लाइफ दिए, चलने फिरने के काबिल बनाए, जो मेरे को अच्छी लाइफ जीने के काबिल बनाए, लॉन्ग लाइफ दे दिए, जो खा सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ। आपकी कहानी मैं जानता हूँ, आपने जिस तरह अपना सफ़र तय किया है, इससे पहले भी आपकी सर्जरी हुई थी जो फेल हुई थी, तो उसको हमने सेकेंड टाइम में सर्जरी को हमने दोबारा किया। तो मैं एक बार आपके जो भांजे जो है आपके सफ़र में, आपके बीमारी में, जो आपका जो इतना साथ दिए करे हैं, तो उनसे भी हम कुछ बातें पूछते हैं। तो बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित सिंह। रोहित सिंह, रोहित सिंह आप तो मुझे पता है आप तो रेसलर हो जी, पहलवान हो आप जी। क्या करते हो आप? पहलवानी करता हूं, कुश्ती लड़ता हूं। अच्छा, तो जैसे आपके मामा जी ने इस बीमारी के साथ कुश्ती लड़ी और जीते, वैसे आप दंगल में आप कुश्ती लड़ते हो? हाँ, वैसे लड़ता हूं। अच्छा, मेरे साथ लड़ोगे कुश्ती, फ्रेंडली मैच हो जाए? अरे मैं तो आपसे जीत नहीं पाऊंगा, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ कि आपके मामा ने कैसे कष्ट, कैसे ये मुसीबत में फंसे और इससे कैसे बाहर निकले, आप ज़रा हमें बताएंगे। मामा को बीच में छोटे पुंछे के साथ की वजह कल्ले में जी, तो चेकअप कराए थे मामा बीच में, तो दवाइयाँ से लेते हैं बीच में जी, तो वो ENT के डॉक्टर साहब खाजा मोहिनुद्दीन के पास आए थे। खाजा मोहिनुद्दीन कौन? मैं आपके पास साहब। ओके। के मास यहाँ डाले उनको जी, तो पूरा ठीक है पूरा, खाना भी खा सकते हो, पानी पी सकते हो जी, बात भी करने आ रहा है। तो आप तो फाइटर हो, आप नौजवान नस्ल को आजकल जो
ये सिगरेट गुटखा और शराब में मशगूल हैं, जो इनके पूरे एकदम गुलाम बन चुके हैं इन चीज़ों के, उनके लिए आप एक यंगस्टर हो, फाइटर हो, आप क्या कहना चाहोगे? वो सब बेकार चीज़ है सर, उसमें नहीं जाना चाहिए, इसको भी और पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देती है लोगों की। तो आप तो सिगरेट नहीं पीते होगे? नहीं, कुछ भी नहीं, गुटखा नहीं। और अगर किसी को आप देखोगे सिगरेट और गुटखी तो के साथ, तो दूर हट जाओगे? मैं तो कहूँगा दूर नहीं हटो, उनको बोलो कि ये गलत है। नहीं सुनते, मगर यार हमारा काम भी तो हटना नहीं है ना, ये बीमारी को हटाना है। लड्डूलाल जी, तो एक बार आप, आपका जो हमने जो सर्जरी किया है वो एक बार आप बता सकेंगे? आप एक बार तो यहाँ पे ये मुंह में अंदर कले में से लेकर इसके हमने इसके अगर इसके अंदर हमने पैच डाली थी, एक बार वो खोलेंगे आप थोड़ा इधर और थोड़ा खोलिए। ओके फाइन, ये ग्राफ्ट है हमने जो डाला इनके मुंह में, अगर आप देख सकेंगे तो और ये जगह से जो मांस निकाल कर जो साहब ने जो नई जिंदगी जो दी है, सगन हमारे अल्लाह सगन भगवान, मैं उनको बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा मेरे दिल से उनको दुआ देते रहो। तो यहाँ से छोटा सा पीस हमने निकाला और इसको स्किन के अंदर से, ये गर्दन के अंदर से, भीतर से, इसके अंदर आप जो देख रहे हैं जो स्वेलिंग, उसी की वजह से है। तो इसके अंदर से हमने अंदर का रिकन्स्ट्रक्शन किया इसको। इनको हो गया था कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, राइट साइड बकल म्यूकोजा में था, तो हमने पेक्टोरालिस मेजर मसल जिसको कहते हैं, तो आप तो बॉडी बिल्डर हो, आपको तो पता है कौन सा मसल है। तो यहाँ से हमने मसल निकाला, फिर इसको अंदर यहाँ से इनको रिकन्स्ट्रक्शन किया। सर्जरी का आज एक महीना हो गया है, तो हमने इनको डेट ऑफ सर्जरी इज 4/10/2024 को हमने लड्डूलाल जी का ऑपरेशन किया था। तो अभी आप कैसे महसूस कर रहे हैं लड्डूलाल जी? अभी पहले तो ना खाना खा सकता था ना पानी पीने के लायक था मैं, जो आप इस लायक बना दिए मेरे को, जो खाना खा सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, वॉकिंग कर सकता हूँ, मेरे को उस ऑफिस आपने ज्वाइन किया, अपने ऑफिस ज्वाइन कर काम कर रहे हो आप, ऑफिस में आपकी एक्टिविटीज नॉर्मल हो चुके हैं, तो आप अपने स्मोकर्स गुटखा वालों भाइयों को क्या बोलना चाहोगे? को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बहुत जल्द से जल्द ये चीज से दूर हो जाए, ये चीज को अपनाना बहुत मुश्किल है। अपन एक गरीब निवास क्या है, हर आदमी छोटे रंधो बड़े रंधो, ये चीज़ से बहुत दूर हटने के लिए मैं उनको गुजारिश करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ तक के हो सके जो चीज़ मेरे पे गुजरी वो किसी पे ना गुजरे। भाइयों बहनों, आपने सुना, कोशिश करिए, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है कि हम किसी चीज़ के आदि हो और उससे उसको हम छोड़ ना सकें। सो लेट्स ऑल रिमाइंड ईच अदर दैट सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग वीडियोज ऑन मेड टॉक्स विद डॉक्टर मोइन। थैंक यू।